एच आर धमाका न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार मंजीत चौहान रतेरिया की तरफ तय नमस्कार जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई बुआनी खेड़ा अलका का जो गांव छोटापुर बाड़ा है उसके अंदर मौजूद हाँ। और आज मैं बता दूं भाई जो यहां पे मोनी बाबा जी है उनके आश्रम में एक बहुत बड़ी जो है कुश्ती का दंगल का आयोजन हुआ था, तो उस आयोजन में देखने खातर आज यहां पे पूछे। और सामने आपने दिखा दूं भाई विकास बड़सी भी यहाँ पे मौजूद है जो कि पूर्व विधानसभा जो है मैं प्रत्याशी था। और जहाँ मैं बात करूँ तो भाई साहब बहुत ही जो है तहलका मचाया था चुनाव के अंदर बीजेपी की, जिन्होंने धड़कने तेज की थी विकास बड़सी ने, वो यहाँ पे मौजूद है। और बाबा जी से भी मिलांगे, बाबा जी के विचार लेवांगे। तो अगर आ जा कैमरा मैन। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। तो गुरु जी मतलब आप जो आज मेला का आयोजन है यहाँ पे कुश्ती का दंगल का आयोजन है यो किस उपलक्ष्य में करवाते हो? ये हमारे जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री चंद्र भगवान जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शुक्रवार और शुक्ला नवमी को। तो बच्चों का दंगल करवा देते हैं। विचार ये है कि कोई ना कोई बच्चा पहलवान होकर निकले यहाँ से, अलबत्ता तो यहीं काम आएगा वो हमारे, अगर फौज में लग गया तो भी हमारे काम आएगा। हमारी जिज्ञासा यही है कोई पहलवान बने और अपना नाम करे। तो भाई जिस प्रकार आप देख सको हो बाबा जी जो है उनके विचार है एक बहुत ही अच्छे विचार है भाई, ये कुश्ती का आयोजन उनके गुरुजी के जो जन्म के उपलक्ष्य में करवाया जा है। और इसका मेन कारण यही बताते हैं भाई यहाँ से एक खिलाड़ी निकल के जाए जो यहाँ का गांव का प्रदेश का नाम रोशन करे। क्यों बाबा जी यही बात है ना? यही बात है। तो उसी के साथ में विकास बड़सी भी मौजूद है, उन तभी बात करांगे। भाई साहब नमस्कार करते हुए सारे दर्शक, मैं मेरी तरफ से और हमारे गुरुजी की तरफ से पूरे भवानी खेड़ा के बुजुर्ग और युवा साथियों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, जय भारत कहता हूँ। तो मतलब बाबा जी जो आज यो मतलब कुश्ती का दंगल करवाते हैं हर वर्ष, तो मतलब किसी खुशी हो है यहाँ के लोगों को? देखिए ये आज हमारा गांव बड़सी है, जो बड़सी मजरे का गांव हमारा ढाणी चोरटापुर बाड़ा, जो हमारे सारे गांव बिल्कुल बड़सी मजरे के लगते हुए है। और महाराज जी ने एक इतना अच्छा प्रोग्राम करते हर साल, जब भी महाराज जी मेरे को बुलाते मैं अपनी सेवा देने के लिए महाराज जी के पास उसी टाइम पहुंच जाता हूं, महाराज जी आप मेरे घर चल के, लेकिन मेरे को इस बात का फील है कि महाराज जी एक फ़ोन कर देते मैं सीधा डेरे में ही आ जाता, लेकिन मैं फिर भी महाराज जी के जो चरण हमारे घर पे पड़े मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो महाराज जी ने आज एक दंगल का प्रोग्राम किया और भंडारा किया, महाराज जी जब भी बुलाओगे जब तक सांस है आपके आश्रम मानते रहेंगे, जो भी हमारी सेवा होगी मैं महाराज जी के लिए पूरे तन मन धन से खड़ा मिलूँगा। फिलहाल जो है आप देख सको भाई यही कारण था विकास बड़सी का जो कि लोग इसके दीवाने हो गए थे। और बात करें आप तो पिछली विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की धड़कने जो है तेज करती थी, और ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है उन तभी बात करांगे। तो भाई साहब एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम दर्शकों। तो मतलब कितने एक साल हो गए जो बाबा जी का यहाँ पे गुरु महाराज ने 17वां भंडारा किया है, 17वीं बार जयंती मनाई गुरु श्री चंद्रदेव भगवान की, और 17वां ही दंगल है। तो गांव राम की यहाँ आस पड़ोस के गांव की बात करूँ तो मतलब कितनी श्रद्धा रखा है? अनाउंसमेंट होती है जी पूरे एरिया के अंदर गांव में, मुन्ना भाई से हर 52 गांव में लगे हैं कितने आसपास सब में, और वहाँ से पहलवान आते एक से एक आगे से आगे प्रचार होता है जी। तो भाई साहब ऐसे भी मतलब यहाँ से कोई पहलवान निकल के बाबा जी का आश्रम से कोई पहलवान निकल के आगे भी गया है? हाँ जी गए हैं जी, बहुत जी पहलवान गए हैं यहाँ से, बड़े बड़े पहलवान जो भी है, बड़े दंगल होता है हर साल, बड़े खुशी से मनाया जाता है जी, धन पूरे तन मन धन से मनाया जाता है, पूरा गांव सहयोग देता है जी, पूरा पूरा आसी शहर भी सहयोग देता है बाबा जी को तन मन धन से। तो भाई साहब आपका क्या कहना है? मैं यही कहना है हमारे गुरु जी हैं श्री मोनी बाबा उदासीनाचार्य श्री विष्णुदास जी महाराज, ये हर साल यहाँ दंगल करवाते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन करवाते हैं, और आसपास से काफ़ी गांव से यहाँ लोग एकत्रित होते हैं और भजन वाणी सुनते हैं, और आसपास के गांव से
काफ़ी दूर दूर से यहाँ उनके भगत आते हैं इस उपलक्ष्य में, और यहाँ के पहलवान काफ़ी नेशनल लेवल तक गए हैं। यहीं इसी आश्रम से? हाँ, यहाँ जो दंगल होते हैं वही पहलवान। तो फिलहाल भाई आप देख सको, दर्शक देखूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वीडियो को शेयर करें और बता दूं इसी बाबा जी के आश्रम से जो है दंगल होता है, उन्हीं दंगलों में से जहाँ दर्शकों ने बताया है उसी दंगल में से जो है यहाँ से खिलाड़ी निकल गए, नेशनल में भी खेल चुके हैं। तो इसके लिए जो है ना एक बार सारे दर्शक देखूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे भाई। देखेगा हमारे मुख्य जी बहुत जगह है, आज कुश्ती इनकी हाजिरी में होगी भाई। 51 सौ कुश्ती हमारे मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में होगी भाई। कुश्ती 51 सौ की 51 सौ की कुश्ती के मुख्य अतिथि हमारे विकास विधानी जिला पार्षद हंसी बड़सी लालो, उनकी मुख्य अतिथि की कुश्ती हाजिरी में कुश्ती होगी 51 सौ की भाई। सभी भाई बैठ जाओ, बच्चों सामने से बैठ जाओ, बच्चा बस बैठ जाओ। तीसरा खिलाड़ी भाई गौरव होगा भाई।